फॉर जस्टिस जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चिट्ठी लिखी है चाइना के प्रेसिडेंट को कि हमें सपोर्ट करो, हमारे रेफरेंडम को सपोर्ट करो और हमारे खालिस्तान को सपोर्ट करो। सपने लेने का कोई टैक्स नहीं होता कि आज तक तो मैंने नहीं सुना किसी कंट्री में हो, लेकिन पता नहीं। और वैसे भी पन्नू जो है वो चूहा जो कभी एक बार निकला था यूएन की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ और फिर उसके बाद दोबारा नहीं दिखाया, वो चूहा अब चाइना से सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है। चाइना जो है कंट्री जो है ना, चाहे कुछ भी हो, है समझदार। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन है, इनका अपना ही चैनल कॉफी विद सुमित जैन। और सुमित जैन साहब जो है वो चाइना में रहकर जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे नजर रखते हैं, और इस पर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा था क्योंकि ये चाइना का वर्जन जानते हैं। सुमित जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस, ये चाइना से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, चाइना इनको कैसे डील करता है? रुद भाई, सिख फॉर जस्टिस, आप नाम सोच के देखिए, सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए या सिख फॉर जस्टिस होना चाहिए? इसी से पता लगता है कि किसी दिमाग फरे जिसको इंग्लिश नहीं आती उसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और नहीं हो सकता, वो ISI है, और कोई भी इसका नाम ऐसा नहीं रख सकता क्योंकि उनकी इंग्लिश उनको आती नहीं है, उन्होंने जैसे समझा उन्होंने रख दिया। और ये कुछ बेवकूफ जो कनाडा में बैठे हैं वहां पर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं कि भाई पंजाब का जो है ये खालिस्तान को डिक्लेयर किया जाए एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। एक रेफरेंडम कहाँ होता है? जहां के लोग जहां पर रहते हो वहां पर रेफरेंडम किया जाता है, ना कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठ कर आप रेफरेंडम करवा रहे हो। तो आप समझ सकते हैं ये चूहे थोड़े से हैं जो पैसे लेकर ये एक मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी शुरू किया था, क्या हुआ? खत्म कर दिया गया, कुचल दिया गया उसको। आज मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, पंजाब के अंदर एक जीरो रत्ती भर भी लोग इनके साथ नहीं है। अगर इनके साथ होते तो कुछ तो मूवमेंट होती पंजाब में, विच इज नॉट देयर। अरे भाई, कश्मीर की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मैंने आज ही वीडियो डाला उसके ऊपर कि 370 खत्म होने के बाद कैसे भारत की गवर्नमेंट ने कश्मीर का रुख बिल्कुल चेंज कर दिया है। ऑलरेडी इस साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर घूमने गए हैं। पंजाब पंजाब इज एज मोर पीसफुल देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, इससे ज्यादा पीसफुल कोई है ही नहीं। तो ये रेफरेंडम एक 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव्स है जो वहां पर वो एक बेवकूफ उनका जो वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो लगा हुआ है जगबीत इनको सबको वोट लेने के लिए, और उनको सपोर्ट करता है एज फार एज द लेटर टू चाइना इज कंसर्न। रोज भाई, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी आराम से निकल जाता है, एंड इंडिया इज दैट एलिफेंट जो ये परवाह नहीं करता। आपको क्या लगता है, आज अगर चाइना इस लेटर के ऊपर कोई एक एक लेटर किसी पागल ने लिख दिया चाइनीज प्रेसिडेंट को, आपको लगता है कि वो पढ़ने वाला भी है? वो तो बिना खोले उसको डस्टबिन में फेंकने वाला है, और इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ना तो ये चाइनीज प्रेसिडेंट किसी ऊपर रिएक्ट करता है। सेकेंडली, उसको उकसाने के लिए वो लेटर में लिखा गया है कि भाई आप हमारी फ्रीडम दे दीजिए, जो पंजाब को फ्रीडम फ्री करा दीजिए, जैसे कि वो यूनाइटेड नेशंस का बॉस हो और आपके कहने पे आपको वो थाली पे रख के दे देगा पंजाब को। वो कहता है कि आप हमें पंजाब दे दो, हम आपको अरुणाचल प्रदेश दे देते हैं। ओ भाई, तुम चूहो, जो एक दो आदमी आपके ऊपर वाले ने मार दिए खालिस्तानियों के कनाडा में बैठकर, और उसके बाद बिल में चले गए, और वो कह रहे हैं चाइना को कि भाई हम आपको अरुणाचल दिला देते हैं, आप हमें पंजाब दिला दो। भी बेवकूफी की भी कोई हद होती है, मागले की बर्तन खुला हो, कुत्ते को शर्म आनी चाहिए, इनको तो वो भी शर्म नहीं है। और ये किसकी, आप देखिए, मुझे दुख क्या होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि ये जो सिख है हमारे, जो सिख भाई हैं, इनके ऊपर इतने, इनके जो गुरु थे उनके ऊपर मुसलमानों ने कितने अत्याचार करे हैं ये हम सब जानते हैं। और आज उन्हीं गद्दार मुसलमानों के साथ जिनकी हिस्ट्री में गद्दारी लिखी है, किसी के मीत नहीं हुए, ये उनके साथ इकट्ठे मिलकर भारत के खिलाफ ये ऐसी साजिश कर रहे हैं। इनको, इनके गुरुओं को तो जो कुछ इन्होंने किया है मुसलमानों ने, ये भूल गए उन चीजों को, और ये
वक्त बताएगा इनको ये किन सपोलों के साथ मिलकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ डॉलर मिलते हैं इनको, ये सब कुछ बेवकूफियां करने के लिए, ये रेफरेंडम्स कराने के लिए, या ऐसे एक दो इन्होंने नारे लगवा दिए वहां पर, वीडियोस बना दी, इसके लिए इनको पैसे दिए जाते हैं कुछ डॉलर्स के लिए आप ये हरकत कर रहे हो। ना तो चाइना इसको सीरियसली लेगा क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है, पहली बात ये। अरे भाई चाइना जो कि पाकिस्तान को एक पालतू कुत्ते की तरह रखा हुआ है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको क्या लगता है भारत से पंगा लेगा इन कुछ लोगों के लिए? कहाँ बैठे हो आप रोहित भाई, ये एक नए उसमें बैठे हैं। पाकिस्तान खुश होता है इन चीजों को देखकर कि देखिए जी हमने इंडिया को तंग कर दिया, ये इंडिया को तंग कर रहे हैं, भारतवासियों को तंग नहीं कर सकते। इंडिया कौन है? ये 26 चोर जो इकट्ठे हो गए जिन्होंने इंडिया नाम रख लिया, तो ये इन्होंने इंडिया को तंग कर दिया, कुछ भी नहीं है। मोदी जी की सेहत के ऊपर एक जो उनका होता है ना सिर का एक छोटा सा बाल है वो भी बांका नहीं होगा इस लेटर से, कुछ भी होने वाला नहीं है। एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट सीरियसली, डोंट वरी अबाउट। यूके यूके ने तो अभी हाल में इन पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले ये सेफ हेवन था यूके इनके लिए, अब यूके नहीं रह गया। कनाडा भी बोल रहा है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट एक लिम्ब गवर्नमेंट है और एक खालिस्तानी के हाथ में उसकी चाबी है, तो अभी कनाडा भी नहीं ले पा रहा। लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, कनाडा भी लेगा, अमेरिका भी लेगा, सारे लेंगे। तो मोदी जी की पॉलिटिक्स यहाँ कहाँ काम आती है, डिप्लोमेसी कहाँ काम आती है कि यूके जहां पे ये कई डिकेड से ऐश ले रहे थे आज उनपे नकेल कसनी शुरू हो गई है। रोहित भाई उनका जो मिनिस्टर आया था भारत में उसने इवन की डिक्लेयर किया है कि हम इसके लिए स्पेशल फंड्स रख रहे हैं एंटी खालिस्तान के लिए, जो भी खालिस्तानी है उनको नापा जाएगा। और मीटिंग हुई है जयशंकर से और अजीत डोवाल जी से, उसके बाद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अगर अजीत डोवाल से मीटिंग हुआ हो तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अजीत डोवाल जी किस तरह से जेम्स बॉन्ड का काम करते हैं ये हम सबको पता है। और दुनिया में कहीं भी छुप के बैठे हो खालिस्तानी बेशक को पाकिस्तान क्यों ना हो वो 72 हूरों के पास पहुंचा दिए गए हैं, अब बाकियों का नंबर है, वेट करो आप। राइट राइट। और अगर बात करें तो क्या खालिस्तान मूवमेंट जो कि पाकिस्तान की आईएसआई पे टिका था, पन्नू खुद भी तो कहीं बिल में घुसा हुआ इस डर से, पहले 3-4 थैंक यू हो गए, इंडिया नहीं करता है वो अपनी आपस की उसमें थैंक यू हुए हमें क्या पता, लेकिन और ये तो सिख थे, इन्हें तो 72 हूरे भी नहीं मिली होंगी, बेचारे फ्री में चले गए। तो रोहित भाई 72 हूरे ही मिली हैं क्योंकि जिनके पीछे लगकर ये दुर्कर्म कर रहे हैं वो 72 हूरों के पास ही जाएंगे, इनके गुरु भी इनको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, हिंदू गुरु भी जो है हमारे या जो हमारे देवी देवता थे वो भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, इनकी औकात और इनकी पोजीशन 72 हूरों के पास ही है, ये वहीं जाएंगे, इनको कहीं और जगह नहीं मिलेगी, ना स्वर्ग में ना नर्क में। जो मुसलमानों का इनके लिए 72 हूरों का जो जो पैकेज है जो मरने के बाद मिलता है, ये सारे सिख जो है खालिस्तानी वहीं जाएंगे और कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाली, कहीं जगह नहीं मिलेगी। अच्छा ये खालिस्तानियों पे ही बात करें तो इस मूवमेंट को आईएसआई मूवमेंट भी क्या है, मतलब गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी को आईएसआई का सपोर्ट था, अब वो भी सपोर्ट कम होता दिख रहा है, पैसा नहीं है तो आईएसआई कहां से कर देगी? तो क्या ये कनाडा में और यूके में जो इनकी हालत तो खराब है क्योंकि इनकी अपनी गैंग वॉर भी तो चल रही है ना, आपस में गैंग वॉर चल रही है, जो फंडिंग आती है उसके लिए आपस में लड़ते भी हैं, तो वहां पर 2-3 मारे गए हैं, तो उसके बाद से पन्नू भी गायब है। इस पन्नू के लिए क्या बोलेंगे आप? पन्नू जिस रास्ते पे चल रहा है क्या पन्नू भी जल्दी जा सकता है, गायब हो सकता है, मारा जा सकता है? रोहित भाई जब बाकी नहीं बचे तो ये भी बचेगा नहीं, जब पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जहां जहां खालिस्तानी थे वो नहीं बच पाए, कनाडा हमारे लिए और अमेरिका हमारे लिए क्या है? सेकेंडली आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, ये जो कंट्रीज हैं जो आज भारत की तरफ देखती हैं फॉर बिजनेस फॉर देयर सर्वाइवल, आज 500 प्लेन के ऑर्डर हमारे कंट्री ने दिए इनको, उसके बाद उनके प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा थैंक यू मोदी जी, अमेरिका को बोलना पड़ा थैंक यू मोदी जी आपके कारण 40 जो हमारे स्टेट्स हैं उसके अंदर जॉब्स क्रिएट हुई हैं। आपको क्या लगता है अगर आज भारत की वो पोजीशन है, एक सिर्फ डायरेक्शन चाहिए हमारी तरफ से, एक क्लियर मैसेज कि इनको खत्म करना है, अमेरिका का CIA खुद हमारे साथ लगेगा उनको खत्म करने के लिए, ये पुराना ये मोहन सिंह वाला रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है रोहित भाई, जहां पर ये प्लीड करते थे
अब हम ऑर्डर देते हैं उनको और उनको मानना पड़ता है। सो अगर आप बोलते हैं कि किसने किया, ये भारत ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है क्लियरली कि हमें हमारे एंटी इंडिया जो भी कोई काम करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बेशक हमारी सॉइल के ऊपर है या आपकी सॉइल के ऊपर है। यू हैव टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट, वी विल प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। बड़ा क्लियर मैसेज है। अगर आप बोलते हैं कि किसने किया, यस भारत ने किया है, मैं ठोक के बोलता हूँ इस चीज को, भारत ने इनको 72 रूरों के पास पहुंचाया है और जो बाकी बच गए हैं वो भी वहीं पे जाएंगे जहां पे उनकी पहुंचने की औकात है, और कहीं भी ये बच नहीं सकते, जो मर्जी कर लें ये लोग। पंजवार तो पाकिस्तान के अंदर मारा गया। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हमारी इंटेलिजेंस मार के आई उसे? देखिए राह है, हर काम तो पाकिस्तान में राह ही करता है। हाँ तो सही। मैं उन्हीं का जो नरेटिव है उसको सपोर्ट करता हूँ। यस हमारे राह ने कर दिया, कर लो जो करना है। कर लो जो करना है। अच्छा सही बात है। और ये सारे के सारे बैठे कहाँ हैं? कनाडा में। वो जो बोलते हैं ना कनाडा जाएंगे, कनाडा, वो कनाडा रोहित में भाई, बैठे हैं। मैं आपको चीज बता सकता हूँ, ये कनाडा का जो जो ये लीगली जाते हैं लोग, वो इतनी मेहनत से जाते हैं, इतनी इतनी लंबी वेट के बाद वो पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है। जो फ्री में चले गए, बिना वीजा लिए किसी और रास्तों से चले गए टेढ़े मेढ़े काम करके, ये उन्हीं को खुर खो रही है वहां पर बैठकर कि भाई ऐसे काम किए जाएं अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। फ्री में पैसे मिल रहे हैं भाई, और आपको मालूम है फ्री में पैसे मिल रहे हो, कोई कोई ना करेगा, और डॉलर मिल रहे हैं उनको। आप जो बोलते हो कि ISI उनको फंडिंग नहीं कर रही, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ISI ही उनको फंडिंग कर रही है, भारत के कोई भी लोग उनको उनको फंडिंग नहीं कर रहे। इट इज कमिंग फ्रॉम ISI, एंड फंडिंग कम है इसलिए मूवमेंट में भी जोर कम है। जिस दिन फंडिंग इंक्रीज हो जाएगी आपको लगेगा कि यह 20-25 लोग हैं, ये 50-100 हो गए, इससे ऊपर इनकी औकात नहीं है। अभी भी 25-30 लोग ही आते हैं, इससे ऊपर आते नहीं। वो भी इतने इतने अनाउंसमेंट्स करने के बाद 25 चूचे चूचे जिसको बोलते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और ये सारे चूचे जो हैं भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है इनको चिकन बना के कैसे खाना है। ये वी नो दिस, इन चूचों की यही यही औकात है, और ये कुछ भी नहीं कर नहीं सकते एज फार एज ISI इज कंसर्न। ISI खुद अपनी सैलरी तो दे नहीं पा रही, वो इनको क्या सैलरी देगी हर महीने की? वो खुद तो भीख मांगनी पड़ती है पूरे दुनिया में जाकर अपनी सैलरियां लेने के लिए। दे कैन नॉट फंड दिस मूवमेंट एट ऑल। तो ये मूवमेंट कभी भी पैसे के बिना नहीं चल सकती, पैसा ISI के पास नहीं है, ये मूवमेंट डेड है फ्रॉम डे वन। 25-30 लोग कर रहे हैं, उनको निपटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, चिंता नहीं करो आप। ये भारत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, घुस के मारना जानती है दुनिया में कहीं भी बैठा हो। और हमारा दुश्मन जो हमारे टुकड़े करने के लिए बात करेगा कहीं भी, वो बच नहीं सकता, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। इतना विश्वास है मुझे भी है मोदी जी के ऊपर। दो इंसिडेंट मुझे मैंने पढ़े हैं, मैंने देखे नहीं है, मेरे पास तो कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अखबार में पढ़े हैं, ओसेंट जैसे बोलते हैं, OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वहां से बता रहा हूँ। ओपन से मतलब अखबारों में छपा है, वेब पे है, सब कुछ है, इंटरव्यूज हुए हैं, इंटरव्यूज में किसी ने बोला है। 2 बार दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं, या रॉ ने, रॉ रॉ बोल सकते हैं बेटर, रॉ ने या इंडियन इंटेलिजेंस ने। एग्जैक्टली एक बार कुछ 10 आदमियों को इसराइल में ट्रेनिंग दिलवाई गई और उसके बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए और दाऊद को मारना था। जिस दिन मारना था उस दिन वो अपने घर से निकला है, एक लोकेशन पे पहुंच रहा था, पहले से पता था इस लोकेशन पे पहुंचेगा, वहां पे मारने से सिर्फ 10 मिनट पहले पुल आउट किया, क्योंकि दाऊद को या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इस ऑपरेशन के बारे में भनक लग गई थी। सबको सेफ वापस भी बुलाना था, इसलिए शांति से वापस बुला लिया था। दूसरी बात, जो करंट हमारे NSA हैं, अजीत डोभाल, उनके अंडर एक ऑपरेशन चला, उस समय वो IB चीफ नहीं थे, 5 महीने पहले रिटायर हो चुके थे। दाऊद का असासिनेशन होना था, दाऊद का मर्डर होना था, इनफैक्ट दाऊद को मारना था, और मारना कहाँ था? दुबई में, दुबई में जब उसकी बेटी की शादी थी। और इस काम के लिए दो फरीद तनाशा, दो लोग बुलाए गए थे। इनफैक्ट अजीत डोभाल का ही कहना था कि हम अपने आदमी क्यों भेजें, हम ये काम राजन, छोटे राजन के गैंग से करवाएंगे। फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा, दो आदमी बुलाए गए थे, लेकिन वो भी दाऊद ने फॉइल करा दिया या फॉइल हो गया, क्योंकि उन दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने और फ्लाइट मिस हो गई और वहां शादी हो गई। दो प्लान्स थे, लेकिन जब से अजीत डोभाल वापस आए हैं तब से दाऊद लापता है।
दाऊद गायब है, दाऊद को पता है कि मेरे को अब ठुकवा देंगे। पन्नू भी ऐसे ही गायब है। अजीत डोवाल सपने में आते हैं इनके, और ये इनको लगता है कि सपने में भी गोली मार गए। पन्नू इसीलिए गायब दिख रहा है और खालिस्तानी इसीलिए गायब दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही खालिस्तानियों की। रोहित भाई, पहली बात ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ऊपर बैठे मोदी जी, वो उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं जो भाषा किसी को समझ आती है। चाइना को चाइना की लैंग्वेज में, पाकिस्तान को पाकिस्तान की लैंग्वेज में, और खालिस्तानियों को खालिस्तानी लैंग्वेज में, वो उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं जो उनको समझ आती है। और यही बात नीचे भी उन्होंने बोला है, घबराना नहीं। इमरान खान ने बोला था ना, घबराना नहीं, आज कहाँ बैठा है। और आप मोदी जी ने बोला नीचे, परवाह करने की जरूरत नहीं है, गो एंड डू व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू सेव माई कंट्री। और वही काम जयशंकर जी भी कर रहे हैं, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, किसी से डरते नहीं है। अजीत डोवाल तो वैसे ही डरते नहीं है, उनका तो नाम सुन के ही बड़े बड़ों की पैंट गिली हो जाती है। पाकिस्तान वालों से पूछ के देखो तो उनका उनकी हालत कैसी होती है, आपको आपको मालूम ही है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, उनके किसी भी मीडिया में चले जाइए, अजीत डोवाल का नाम सुनते ही आप देखेंगे उनके माथे पे पसीना होता है, कांपे टांग रही होती है उनकी, और पैंट गिली होती है। और ये जो एक्शन लिया है खालिस्तानियों के खिलाफ ब्रिटेन ने, ये भी डोवाल साहब की मेहरबानी है। यस हमारे पास लोग हैं जो कि आपको अंदर तक घुस के मार सकते हैं। अच्छा, ये चाइना चाइना को चिट्ठी लिखी, इन्हें उम्मीद क्या थी कि चाइना इनको सपोर्ट कर देगा, खालिस्तान दे देगा? रोहित भाई, क्या होता है, अब जो बेवकूफ होते हैं ना, उनको समझाने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ बेवकूफ ही रहेगा। और ये भी ISI के कहने पे लेटर लिखी गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जो है, ये तो है नहीं कि आपको इंटरनेट के ऊपर उनका ईमेल मिल जाएगा या एड्रेस मिल जाएगा, या आप लिख दो कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना चाइना, तो लेटर उसके पास पहुंच जाएगा। पॉसिबल नहीं है, किसी ने उनको लिया होगा कि भाई ये एड्रेस है उसका, या ये ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप लेटर डाल दीजिए। वो ऐसा ही कर सकती है, इनकी और खालिस्तानियों की इतनी औकात नहीं है कि इनको चाइना का प्रेसिडेंट का एड्रेस भी मिल जाए। तो किसी के कहने पे लेटर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि इम्पोर्टेंस बनाने के लिए दुनिया में, कि देखिए जी, हमने चाइना के प्रेसिडेंट को लेटर डाल दिया है, आप अरुणाचल ले जाओ, हम पंजाब ले जाते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी कोई और कर नहीं सकता जो खालिस्तानियों ने कर ली। अब होगा क्या, इन्होंने अपना दाव खेल लिया, अब कुछ दिन वेट करो, यू विल सी कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। 72 हो रहे हैं, इनकी वेट कर रही है, और ये वहीं जाएंगे आफ्टर सम डेज। इससे अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है जो मोदी जी ना करें, इसका इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। इनको 72 हूरों के पास भेज रहे हैं, वो भेज दिए जाएंगे, एंड ऑफ द स्टोरी है। क्या एंड ऑफ द स्टोरी, सही बात दो है। या तीन तो दो या तीन क्या चूहे ही तो है ना जिनको ऊपर भेजना है। इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, नॉट इवन एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इन्होंने जैसी हरकत करी है उसी भाषा में इनको जॉब दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट क्या आंसर देता है। कनाडा की भी कहीं पे चूड़िया टाइट की जा सकती हैं, जो कि रोहित कनाडा अभी लेबर गवर्नमेंट है? रोहित भाई, 2025 में इलेक्शंस हैं कनाडा में। ऑलरेडी कैनेडियन जो है दोनों पार्टीज, कंजर्वेटिव पार्टी वो ऑलरेडी हिंदुओं के साथ है, जो ये वाले लोग हैं ये तो खालिस्तान वालों के साथ है ही हैं। ट्रूडो है नीचे वाला बेवकूफ सिख, तो ये दोनों लगे हैं सिखों को करने के लिए, खालसा मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। जो दूसरा आदमी है वो ऑलरेडी पियर जो उनका जो है कंजर्वेटिव वालों का हेड है, वो हिंदुओं को कर रहा है। दैट मींस कनाडा को इन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू सिख में, एक तरफ हिंदू हो गए, दूसरी तरफ सिख है, एंड हिंदुओं की पॉपुलेशन कम नहीं है वहां पर। ये लड़ाई अब होगी कि कौन जीतेगा। कंजर्वेटिव और ऑलरेडी ऊपर भारी पड़ते आ रहे हैं, ऑलरेडी भारी हैं, और इनको अगर हिंदुओं की सपोर्ट मिल गई तो ये दोनों जोकर ये निकल जाएंगे, और उसके बाद इनका क्या हाल होगा ये आप देखते रहेंगे। ऊपर से ये भी कि सारे सिख नहीं हैं, सिख भी 10-20% ही हैं, ये जो नॉट खालिस्तान के टेन साथ ट्वेंटी है। परसेंट रोहित भाई, 10-20% आपने बहुत बड़ा नंबर दे दिया भाई। अगर 10-20% होते तो जलसे जो होते वहां पर तो लाखों लोग होने चाहिए थे। आपको क्या लगता है वहां पे पाकिस्तान, वहां पर जो सिखों की पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी पॉपुलेशन है? अरे भाई, कनाडा आज की डेट में सिखों की पॉपुलेशन पर ही खड़ा है, वहां पे ह्यूज नंबर्स हैं। ऐसे लगता है कि जो कनाडा में जाते हैं ऐसे लगता है पंजाब में आ गए हो। जब उनका प्रोसेशन चलता है 25-30 लोग होते सारे, इससे ज्यादा लोग नहीं आते।
तो इसलिए अगर आप बोलते कि 10-20% आपने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, आप 0.25% की बात कर रहे हो, ना कि 10-25% की, विच इज नथिंग, इट इज नेग्लिजिबल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट तो ये सिचुएशन है, और ये जो चिट्ठियां लिखता घूम रहा है पन्नू, ये सारी की सारी चीजें करता क्यों है पता है? ये पब्लिसिटी के लिए करता है, ये पब्लिसिटी से उसको फंडिंग आती है, और फंडिंग से वो अपनी कारें खरीदता है और अपना खर्चा निकालता है। वो इंडिया से गया ही इसलिए था, इंडिया में सरकारी नौकरी कर रहा था, और उस जमाने में सरकारी नौकरी कर रहा था जब सरकारी नौकरी की डिमांड हुआ करती थी। इंडिया से वो गया ही इसलिए क्योंकि उसको चाहिए था कार, बड़ा आलिशान बंगला, और उसको मेहनत करने की आदत नहीं थी। सरकारी नौकरी में क्यों जाता, मेहनत करने की आदत होती तो उसको देखा सस्ते में और हरामखोरी से सिर्फ मुंह जबान चला के कैसे काम हो सकता है, और कैसे मैं मकान और बंगला खरीद सकता हूं। एक आदमी जो कि खुद क्लीन शेव था और अभी कुछ टाइम पहले तक था, वो आदमी जिसने खुद अपने बाल कटवा रखे थे, वो खालिस्तान का, वो सिखों का चीफ बनने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जैन साहब, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जय हिंद।